आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर रविवार को अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार की सुबह हिंदू सेवाश्रम में लगाया जनता दरबार। करीब 250 फरियादों की सुनी फरियाद, निस्तारण के दिए आदेश। गोरखपुर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरु गोरक्षनाथ के की पूजा अर्चना। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के प्रतिमा पर टेका मत्था। वनटांगिया गांव में संवाद कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, नेतृत्व सही हो तो दिखता है विकास, सही बटन दबे तो विकास, गलत दबे तो चल जाती है गोली। वनटांगियों ने कहा, जो कुछ हुआ वह सब बाबा की देन। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को विश्व प्रसिद्ध गीता प्रेस का किया अवलोकन। पुस्तकों की छपाई सहित अन्य व्यवस्थाओं का लिया जायजा। वनटांगिया गांव पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने वनटांगिया समाज के बलराम राजभर के घर जाकर किया जलपान, खिंचवाया फोटो, दिया आशीर्वाद। बड़लगंज थाना क्षेत्र के सिधुआ पार स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल के पीछे महिला की दिन दहाड़े गोली मारकर हुई हत्या। तफ्तीश में जुटी पुलिस। एसपी साउथ ने कहा, प्रथम दृष्टया मामला जमीनी विवाद का। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में संपन्न हुआ भाजपा के बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन। कहा, यहां बैठा बूथ अध्यक्ष कल बन सकता है प्रदेश अध्यक्ष। भाजपा सबका साथ सबका विकास करने वाली है पार्टी। अपर मुख्य सचिव स्थापना व औद्योगिक विकास व जिले के नोडल अधिकारी ने किया जिला महिला अस्पताल का निरीक्षण। दिखे संतुष्ट, कहा, जहां कमी है उसे किया जाएगा दुरुस्त। समाजवादी पार्टी ने केक काट कर मनाया अपने पार्टी के संरक्षक नेताजी मुलायम सिंह यादव का 83वां जन्मदिन। केक खिलाकर दी एक दूसरे को बधाई। नेताजी के दीर्घायु होने की कामना। प्रदेश के अवस्थापना और औद्योगिक विभाग के अपर मुख्य सचिव तथा जनपद के नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। अधूरे कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में संचालित गुरु श्री गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एवं गुरु श्री गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ स्वस्थ जीवन की नई चुनौतियां विषय पर संगोष्ठी। वक्ताओं ने बदलते मौसम में स्वास्थ्य के रखरखाव, लक्षण और उपचार पर डाला प्रकाश। और सोमवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में 295 केंद्रों पर कुल 26,342 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। फर्स्ट डोज लेने वालों में 6,553 और सेकेंड डोज लेने वालों में 19,789 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा, अवश्य लगवाएं टीका, जीत का।